हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात और दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माइस मैट्रिक। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम दोस्तों कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित हमने एक और वीडियो बनाया था, उसमें दोस्तों हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया। दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि इस एग्जाम में दोस्तों वैसे पहले से काफ़ी देरी हो चुका है। दोस्तों एग्जाम में देरी होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका मुख्य कारण आप सबको पता है, देश में जैसा कोरोना का हाल था दोस्तों, वैसे में एग्जाम कंडक्ट कराना काफ़ी मुश्किल था। अब दोस्तों इसके एग्जाम में कोई देरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा इसलिए दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं इंडियन नेवी SSR और AA का एडमिट कार्ड दोस्तों जारी हो चुका है, उसका भी एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि एयरफोर्स XY ग्रुप का भी दोस्तों एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, उसका भी एग्जाम होने वाला है। ऐसे में दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि DRDO का जो एडमिट कार्ड है वो भी दोस्तों जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, और उसके दोस्तों जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा उसके 10 से 15 दिन बाद इसका दोस्तों एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो 1817 है। ठीक है, कितना पोस्ट है दोस्तों? 1817। बात करें दोस्तों इसमें टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, तो दोस्तों इसमें 42 लाख से भी ज़्यादा दोस्तों फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने एक एग्जैक्ट डाटा जो है वो ले लिया कि 42 लाख इसमें दोस्तों फॉर्म भरा गया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम डेट कि इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। दोस्तों इसका जवाब मैं वीडियो में आगे दे दूंगा। उससे पहले दोस्तों हम लोग सिलेबस पे बात कर लेते। दोस्तों इसका सिलेबस क्या है? दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल जो समय दिया जाएगा वो 90 मिनट्स का दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। दोस्तों एग्जाम जो होगा वो CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें पहला सब्जेक्ट है दोस्तों Tier 1 में जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग से दोस्तों कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, इससे दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरा है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इससे भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों Tier 2 भी देख लेते हैं। दोस्तों इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 90 मिनट आपको टोटल समय दिया जाएगा। इसमें भी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ये भी दोस्तों CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जो दोस्तों पहला सब्जेक्ट है वो जनरल साइंस है। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों? जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। दूसरा है जनरल मैथ, यानी कि सामान्य गणित से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बात करें जनरल इंग्लिश की, ठीक है दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बात करें Tier 1 और Tier 2 में दोस्तों निगेटिव क्या है, तो दोस्तों नो निगेटिव, इसमें कोई निगेटिव मार्क्स आपसे नहीं काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि दोस्तों इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें एडमिट कार्ड की, तो दोस्तों इसका एडमिट कार्ड जुलाई के आखिरी सप्ताह में, यानी कि जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आ जाता है उसके 15 से 20 दिनों के बाद एग्जाम भी कंडक्ट होने लगा। ठीक है, तो दोस्तों बात करें इसका एडमिट कार्ड दोस्तों जुलाई के आखिरी सप्ताह में आ सकता है, और दोस्तों इसका एग्जाम उसके 15 से 20 दिन के बाद इसका एग्जाम भी होने लगा। ठीक है, यानी कि एग्जाम दोस्तों आपका अगस्त में हो सकता है। दोस्तों अगर ये मान लिया जाए कि दोस्तों इसका एग्जाम अगस्त में हो सकता है, तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो आपके पास केवल एक ही महीने का समय बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बेस्ट बुक्स लिखा है दोस्तों, किस बुक से आपको तैयारी करना चाहिए जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में दोस्तों मदद मिलेगी। दोस्तों अगर बात करें हम लोग रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा बुक है अरिहंत का रीजनिंग बुक आता है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा बुक है, उसमें एकदम 0 लेवल से देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो ही ये आप बुक लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपका सेट प्रैक्टिस से ही रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। बात करें दोस्तों जनरल अवेयरनेस की, तो दोस्तों इसके लिए आप लूसेंट और स्पीडी पढ़ सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप स्पीडी पढ़ें, ठीक है, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो दोस्तों इसके लिए आप RS अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, RS अग्रवाल या फिर रिचा अग्रवाल का भी बुक पढ़ सकते हैं दोस्तों, इससे आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों Tier 2 के लिए बेस्ट बुक क्या रहने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरल साइंस, तो दोस्तों जनरल साइंस के लिए लूसेंट का आता है, लूसेंट जनरल साइंस करके वो भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों उस SPD का आता है साइंस में। ठीक है, स्पीडी साइंस, तो दोस्तों दोनों में से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हैं। बात करें दोस्तों इसमें भी जनरल मैथ, तो जैसा ऊपर में वैसा ही नीचे में दोस्तों कि RS अग्रवाल इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, RS अग्रवाल या फिर रिचा अग्रवाल आप बुक पढ़ सकते हैं। तीसरा है दोस्तों जनरल इंग्लिश, दोस्तों इसके लिए आप लूसेंट या पारामाउंट, दोस्तों पारामाउंट का भी इंग्लिश का बुक काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, पारामाउंट जनरल इंग्लिश करके आता है, वो भी बुक दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हो गया बेस्ट बुक्स। दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक महीने का समय कोई ज़्यादा समय नहीं होता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट पे करीब करीब दोस्तों 1.5 से 2 घंटे समय देने का मतलब कि समय आ गया। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट पे कम से कम दोस्तों 2 घंटे पढ़ाई कीजिए एक सब्जेक्ट में, तो दोस्तों आपका एग्जाम जो Tier 1 है वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में केवल आपको यही बताना था कि इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, वो भी मैंने दोस्तों यहाँ पे बता दिया कि दोस्तों इसका एग्जाम अगस्त में कंडक्ट कराया जा सकता है। एडमिट कार्ड दोस्तों जो है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में आ सकता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे छूट गया कि दोस्तों इसमें जो रिजल्ट है वो 10 गुना देगा। ठीक है, रिजल्ट जो है दोस्तों इसमें 10 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, यानी कि जो टोटल पोस्ट है उससे 10 गुना कैंडिडेट जो है उनका रिजल्ट आ जाएगा।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बगल बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।